चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में एमआरएफ केंद्र में खराब टायर के साथ खड़े ट्रक की वजह से कचरा उठाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके में बहुत ही खराब हालात बने हुए हैं। कोई ट्रक पंचर है तो किसी के टायर जवाब देने वाले हैं। अब हालात ये हैं कि अब शहर में कूड़ा उठ नहीं पा रहा है और चंडीगढ़ में 3 एमआरएफ केंद्र हैं, जिसमें से 3 ट्रक हैं। फिलहाल इनमें से ज़्यादातर ट्रक खराब हैं और 3BRD में खड़े तीनों ट्रक के टायर फटे हुए हैं। यही वजह है कि 3BRD के तीनों ट्रक केंद्र के अंदर खड़े हुए हैं। यही कारण है कि केंद्र से प्लांट में कचरा फेंका तक नहीं जा सकता है, जिसके चलते MRF का यह केंद्र 31 अक्टूबर से बंद पड़ा है। यह नतीजा नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से ध्यान ना दिए जाने की वजह से भी है, जिससे एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जिसे MRF कहते हैं, केंद्र पिछले 27 दिन से बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण 2 MRF केंद्रों पर दबाव बढ़ गया है। नतीजा यह है कि कचरे की गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। हालांकि गाड़ियों के ड्राइवर बुरी तरह से प्रभावित हैं और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की सेहत पर भी इसका असर जो है वो पड़ रहा है। नगर निगम की गाड़ियां घर घर से कूड़ा एकत्रित करती हैं और फिर उन्हें नजदीकी MRF केंद्र में ले जाकर गाड़ी को खाली करती हैं। चंडीगढ़ में ऐसे 3 केंद्र हैं, एक इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में है, दूसरा 3BRD और तीसरा सेक्टर 25 में है। यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट की मदद से गीला सूखा कचरा अलग अलग डाल दिया जाता है और ट्रकों की मदद से सेक्टर 25 के कचरे को निस्तारण प्लांट में भेजा जाता है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विजेंद्र दुर्गच है, मैं डोर टू डोर महासचिव। जिंदर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से काफी लंबी कतारों में जो गाड़ियां खड़ी है कुछ अभी, और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये डोर टू डोर का प्रोजेक्ट एक शहर की शोभा को बढ़ाने के लिए शुरू किया था, भाई शहर को साफ सुथरा रखने के लिए शुरू किया था। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन जिस जो कार्य शुरू होता है अगर उसकी देखरेख सही ढंग से ना हो तो वो बाद में कई और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे कमीशन मैंने शुरू किए थे वो सारे डंप हो चुके हैं। तो हम नहीं चाहते हैं भाई ये जो इतना साफ सुथरा डोर टू डोर का प्रोजेक्ट चल रहा है ये भी खराब हो, क्योंकि ये अफसरों की अनदेखी के कारण खराब हो रहा है। इससे हमारे MRF सेंटर पर काम कर रहे जो साथी हैं वो भी परेशान है, और जो ड्राइवर साथी हमारे साथ काम करते हैं रोड डेली सुबह उठ के, वो भी परेशान है, क्योंकि ना उनकी गाड़ियां ठीक हो पाती है, ना उनके टायर डल पाते हैं, ना उनकी बैटरियां डल पाती हैं। और जो शहरवासी शहर को साफ सुथरा रखने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो भी गाड़ी ना आने की वजह से रोज परेशान होते हैं, और जो हमारे हेल्पर साथी उस पे काम करते हैं वो इससे ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक दिन गाड़ी आती है एक दिन नहीं आती है, और सुनना किसको पड़ता है? गार्बेज कलेक्टर को सुनना पड़ता है। तो हम आपके माध्यम से यही विनती करते हैं, जैसे हमारे प्रधान जी ने पहले बताया कि हम इसकी जानकारी कमिश्नर मैडम को दे चुके हैं, ज्वाइंट कमिश्नर को दे चुके हैं, और MHO साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से कि इस समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए, अन्यथा हमें संघर्ष की ओर जाना पड़ेगा, जिसके लिए नगर निगम के उच्च अधिकारी और MHO साहब की टीम जिम्मेवार होगी। धन्यवाद। धर्मवीर जी, यहाँ पर भारी संख्या में काफी जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं, क्या कारण है? तो मैं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हूँ, साथ में मेरी कैबिनेट है। जो कि शहर के अंदर ऐसी दिक्कत आई है कि चंडीगढ़ एक साफ सुथरा शहर है और सर्वेक्षण को लेके बड़ी भागदौड़ चलती है, सफाई को लेके या गार्बेज को लेके जी जान लगा के हम मेहनत करते हैं और चंडीगढ़ को नंबर 1 लेके आते हैं, पर शहर सर्वेक्षण के बाद पता नहीं क्या हो जाता है नगर निगम के अधिकारियों को कि उसकी देख रेख नहीं होती चंडीगढ़ के अंदर, कि आज प्लांट बंद पड़े हैं, जो कि हाईवे जो टायर है ना तो ये समय पर टायर डलवा पाते हैं, और जो गाड़ियों की मेंटेनेंस है, हम पहले भी अल्टीमेटम दे चुके हैं नगर निगम अधिकारियों को कि एक वर्कशॉप खोली जाए जो गाड़ियों की है, तो गाड़ियों की इन्होंने वर्कशॉप नहीं खोली है। जो शहर के अंदर जो भी पंचर होते हैं गाड़ियों की और जो मेंटेनेंस हो जाती है हल्की फुल्की या भारी, जैसे बैटरियां है, तो गार्बेज कलेक्टर धक्के मारते हैं, धक्के मार के उसको स्टार्ट करवाते हैं, तो ये कारण गार्बेज नहीं उठ पा रहा है। तो नगर निगम अधिकारियों से भी हमने विनती की है, कमिश्नर साहब की नॉलेज में भी डाला हुआ है, ज्वाइंट कमिश्नर की नॉलेज, डॉक्टर साहब की नॉलेज में डाला हुआ है, अभी तक इन पे गौर नहीं की है, बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं अफसर, उन्होंने ये चीज देख लेनी चाहिए। जब चंडीगढ़ एक साफ सुथरा शहर है उनको हम साफ सुथरा रखे, हम चंडीगढ़ वासी है, हम चाहते हैं शहर साफ सुथरा रहे, हम मेहनत का स्लोग है, हम मेहनत से पीछे नहीं हटते। तो अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं क्या कुछ बात? तो आज हम इसका जायजा लेने आए थे। ये देखो इतनी लंबी लाइनें लगी है गाड़ियों की, आप सोच भी नहीं सकते कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, और हादसे होते भी आए है। यही कारण है, देखना रोड पे है, आप खुद ही जाके देख लेना, पूरी लंबी लाइन लगी है, कम से कम 200 गाड़ियां लाइन में लगी है,
तो ये चीजें शोभा नहीं देती। काम अच्छे तरीके साथ चले, 6 महीने में इसकी रिपेयरिंग होए तो बढ़िया स्ट्रेचर चले और चंडीगढ़ साफ सुथरा रहे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।